हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगेटेबल नाइट के एपिसोड 6 के पार्ट 2 को। तो मैं फाइनली इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहे हैं कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँ। और हर बार हर कोई बस अनफॉरगेटेबल नाइट के लिए ही कमेंट कर रहा है, जिस वजह से मैंने फैसला किया है कि भले ही व्यूज कम आए पर मैं सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगी। आई होप कि आप सब ये बात जानकर खुश होंगे। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत होती है जहां दनाई का एक आदमी जल्दी जल्दी में चेरी के पास आता है और उसे बताता है कि पार्टी खत्म हो गई है क्योंकि वहां पे बॉम्ब है। तो अब उन सबको उस जगह से निकलना होगा। इस बात को सुनकर चेरी घबरा जाती है पर कहती है कि वो लोग किम को बांध दी और वो पार्टी वाली जगह पे जाती है और कमोल से बोलती है कि यहाँ पे क्या हुआ, सारे लोग यहाँ से निकलकर क्यों जा रहे हैं। कमोल चेरी का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि किम कहाँ है। चेरी उसे बोलती है कि उसे नहीं पता। कमोल बोलता है कि अगर वो कमोल की फ्रेंड ना होती तो वो यहाँ ऐसे उसके सामने खड़ी नहीं होती। चेरी उसे बोलती है तो क्या कमोल चेरी को हर्ट करेगा तो वो उसे हर्ट करे। कमोल चेरी को बोलता है कि वो अपनी लाइन क्रॉस ना करे, किम कमोल के लिए इम्पोर्टेंट है। चेरी कमोल को गुस्से में नहीं देखना चाहेगी पर चेरी उसे बोलती है कि वो चेरी के सामने भीख मांगे अगर उसे सच में जानना है कि किम कहाँ है, और वो उसे लेकर सच में परेशान है। पर कमोल उसे कुछ भी नहीं बोलता और वो अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जा रहे मेहमानों से चेरी पूछती है कि वो लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं। एक आदमी उसे बोलता है कि इस जगह की सिक्योरिटी सिस्टम अच्छी क्यों नहीं है। वो लोग चेरी के डैड पे भरोसा करते थे पर दनाई बहुत ही बुरा है और अंदर बॉम्ब है। दनाई पार्टी भी सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, तो उनके लिए फ्यूचर में दनाई की हेल्प करना मुश्किल हो चुका है। वो चेरी को भी जाने को बोलते हैं कि पता नहीं न्यूज रिपोर्टर्स कब यहाँ पे पहुँच जाए और चेरी के डैड की रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर सबको पता चला कि एक पॉलिटिशियन की बेटी इन सारे चीजों में इन्वॉल्व है। चेरी ये सारी बातें सुनकर घबरा जाती है। वहीं कमोल अपने बॉडीगार्ड्स के साथ किम के पास पहुँचता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि किम को बांध कर रखा होता है। वो लोग वहाँ जाकर लोगों को पीटने लगते हैं। कमोल बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में सबको मारता है और किम के पास जाकर उसका हाथ खोलता है और उससे पूछता है कि क्या किसी ने उसे हर्ट किया। वो कमोल को बताए, कमोल उन सबको मार देगा। किम उठकर उसे हग करता है और उसे कहता है कि उसे आने में इतनी देर क्यों लगी। वो कमोल से पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। कमोल बोलता है कि किम कमोल के लिए क्यों परेशान हो रहा है और वो देखता है कि किम के लिप्स से ब्लड निकल रहा होता है और वो किम के लिप्स पे हाथ फेरता है और उससे पूछता है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। किम बोलता है कि वो ठीक है, बस थोड़ी सी खरोच से वो मर नहीं सकता। कमोल किम के दोनों हाथों को होल्ड करता है और वो उससे देर से आने के लिए माफी मांगता है। कॉम कमोल से बोलता है कि उन लोगों ने सब कुछ संभाल लिया और सब कुछ अब उनके कंट्रोल में है। कमोल उसे बोलता है कि बाकी सारी चीजों को भी वो लोग संभाल ले। वो किम को लेकर घर जा रहा है और वो किम का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाने लगता है। किम खुश होता है और वो स्माइल करके कमोल की तरफ देख रहा होता है। फ्रेंड्स, ये सीन काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब कमोल किम के पास आया उस वक्त कमोल किम के लिए कितना ज्यादा परेशान था और कितना ज्यादा गुस्से में था कि किम को इस तरह से बांध के रखा हुआ है और साथ ही उसे मारा भी गया है, क्योंकि किम कमोल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कमोल किम से सबसे ज्यादा प्यार करता है और यहाँ आपको किम की आंखों में भी कमोल के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार दिखेगा। जब कमोल उसके पास पहुँचा तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे तुरंत हग कर लिया। साथ ही उसे कमोल की फिक्र थी कि कमोल को कुछ ना हुआ हो। और जब वो दोनों हाथ होल्ड करके जा रहे थे तब जिस तरह से किम कमोल की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में बस कमोल के लिए प्यार था। आगे हमें कमोल के घर का सीन दिखाया जाता है
जहां कमोल और किम खाने के टेबल पे बैठे होते हैं। किम टैब पे न्यूज देख रहा होता है और कमोल से बताता है कि ये सारी बातें न्यूज में भी आ गई है और आजकल के न्यूज के रिपोर्टर्स बहुत तेज हो चुके हैं। अगर किम भी गेस्ट होता तो ये सब पढ़ के उसे बहुत गुस्सा आता और उस पार्टी वाली जगह पे बॉम्ब नहीं मिला बल्कि बॉक्स में घड़ियां रखी थी। ये सब पढ़कर किम बहुत खुश होता है और बोलता है कि क्या कमोल को ये सब फनी नहीं लगता। कमोल किम की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। किम ब्रेकफास्ट करने जाता है पर उसके लिप्स पे चोट लगने की वजह से दर्द होने लगता है। कमोल उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। किम कहता है कि हाँ। वो कमोल से बोलता है कि क्या होता अगर मेहमान इस बात पे भरोसा नहीं करते कि उस बॉक्स के अंदर बॉम्ब है। कमोल बोलता है तब वो वहाँ पे सच में बॉम्ब रख देता। असल में उस जगह पे सच का एक बॉम्ब था पर सारा सब कुछ कमोल के प्लान के हिसाब से हुआ तो उस बॉम्ब की जरूरत नहीं पड़ी। किम ये बात सुनकर चुप हो जाता है। कमोल उसे बोलता है कि क्या ये बात सुनकर वो चौंक गया। उसे पता था कि किम ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा अगर उसे कमोल के प्लान के बारे में पता चला। किम बोलता है कि कौन इस बात को एक्सेप्ट कर सकता था कि कमोल उस होटल को उड़ाने वाला था पर चैरी का क्या? क्या कमोल को चैरी के प्लान के बारे में पता था? असल में किम चैरी के पीछे इसलिए गया था क्योंकि उसे फिकर थी कि चैरी कहीं कमोल के प्लान को ना बिगाड़ दे। कमोल उसे बोलता है कि उसे ये बात पहले ही लगी थी पर वो थोड़ा सा केयरलेस हो गया था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि चैरी इस हद तक आगे निकल जाएगी। किम बोलता है पर शायद चैरी कमोल को सच में लाइक करती है। कमोल बोलता है कि कमोल और चैरी बस फ्रेंड ही रह सकते हैं पर आगे से वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगी किम को परेशान करने की। किम बोलता है कि क्या कमोल ने चैरी के साथ कुछ किया? कमोल बोलता है कि नहीं पर उसने चैरी को सब कुछ सीधा सीधा बोल दिया और किम को उस इंसान की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है जिसने उसे थप्पड़ मारा। ये कहकर वो किम के लिप्स को टच करता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि क्या किम जानता है कि कमोल कितना ज्यादा परेशान हो गया था जब किम पार्टी से अचानक से गायब हो गया था। किम बोलता है कि वो ड्रामेटिक ना हो पर कमोल उसे बोलता है कि वो उस वक्त सच में बहुत ही ज्यादा परेशान था तो किम उसकी फीलिंग्स को ऐसे रिजेक्ट ना करे। किम कमोल को खाने के लिए बोलता है और वो दोनों वैसे ही हाथ उल करके खाने लगते हैं। किम स्माइल कर रहा होता है और कमोल उसके तरफ देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ दनाई को न्यूज देखते दिखाया जाता है और उसे पता चलता है कि पार्टी वाली जगह पे बॉम्ब नहीं था बस उन सारे बॉक्स पे घड़ियां रखी थी। इस बात को सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कमोल और दनाई में से एक इंसान जरूर मरेगा। आगे हमें कमोल को बैठे लैपटॉप पे काम करते दिखाया जाता है। तभी उसके पास किम आता है और उससे पूछता है कि क्या वो बिजी है। कमोल बोलता है कि थोड़ा सा, क्या कोई बात है? किम उसे बोलता है कि लेट हो चुका है तो उसे अपना काम आगे कंटिन्यू करने से पहले खाना खा लेना चाहिए। वो बीमार पड़ जाएगा अगर वो ऐसे ही ज्यादा काम करता रहा बिना कुछ खाए। पर कमोल उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वो कंटिन्यू काम कर रहा होता है तो किम वहाँ से जाने लगता है पर कमोल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद पे बिठा लेता है। किम कमोल से बोलता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, कोई आकर उन्हें देख लेगा। कमोल बोलता है कि उसे बस किम का हक चाहिए अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए क्योंकि कमोल को बहुत सारा काम खत्म करना है। किम उसे बोलता है कि क्या वो आज रात भी काम पे बाहर जाएगा। कमोल बोलता है कि हाँ, उसे अपने क्लब पे जाना होगा। किम कहता है कि क्या वो भी कमोल के साथ चल सकता है। कमोल उसे बोलता है कि नहीं, ये सब बहुत डेंजरस है। किम उसे बोलता है पर कमोल तो उसके साथ होगा, क्या फिर भी सब कुछ डेंजरस होगा? तो कमोल किम को बांधकर क्यों नहीं रखता? वो किम को कहीं भी जाने नहीं देता और वो उसे अपने काम वाली जगह पे भी नहीं ले जा सकता। कमोल थक कर उसकी बात मान लेता है और उसे बोलता है कि ठीक है, वो उसके साथ चल सकता है। उसकी ये बात सुनकर किम स्माइल करता है। कमोल उसे बोलता है पर वो कमोल से कंप्लेन नहीं कर सकता कि वो वहाँ जाकर बोर हो रहा है क्योंकि कमोल हमेशा किम के साथ नहीं रह पाएगा। किम उससे बोलता है कि उसे कमोल से कुछ फेवर चाहिए। ये कहकर वो उसके कान में बोलता है
कि खाने के बाद क्या वो दोनों वो कर सकते हैं। कमल किम की बात सुनकर उसके तरफ देखता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। आगे उन दोनों को टाइगर्स के पास दिखाया जाता है और किम वहाँ पे बहुत खुश होता है। वो कमल से पूछता है कि इन दोनों में से केमो और विप क्रीम कौन से हैं। कमल उसे बताता है कि विप क्रीम बहुत ही ज्यादा शांत है, वो खुद ही उसे पहचान सकता है। तो किम समझ जाता है कि कौन सा विप क्रीम है। वो बोलता है कि जो सोते हुए क्यूट सा लग रहा है और वो शांत भी है, वही विप क्रीम है। कमल बोलता है कि हाँ, उसने सही कहा। वो किम से पूछता है कि क्या उसे टाइगर्स पसंद है। किम कहता है कि हाँ, उसे टाइगर्स पसंद है। कमल उसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो वो यहाँ पे उनके पास आ सकता है। जब कमल फ्री ना हो तो वो कॉम से कह सकता है और वो उसे यहाँ ले आया करेगा। जब टाइगर्स किम को पहचानने लगेंगी तो वो आकर उन्हें खिला भी सकता है। किम बोलता है कि अच्छा है। किम कहता है कि क्या टाइगर्स उसे टच करने देंगे। कमल कहता है कि किमो शांत नहीं है, वो बहुत अग्रेसिव है। उसके साथ किम को बहुत ज्यादा टाइम बिताना होगा, पर अगर वो विप क्रीम से क्लोज हो गया तो वो उसे हग कर सकता है। किम कहता है कि क्या सच में वो उसे हग कर सकता है। तो कमल जाकर उसे हग करके दिखाए। कमल उसे बोलता है कि ठीक है, पर वो किम को पीछे से हग कर लेता है और बोलता है कि ऐसे हग करते हैं। किम कहता है कि वो टाइगर नहीं है। तो कमल टाइगर के पास जाए और वो स्माइल करने लगता है। कमल उसे बोलता है कि ठीक है और वो किम के गाल पे किस करता है और टाइगर के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। किम ये सारी चीजें देखकर स्माइल कर रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है कि वो उन्हें किसी दिन हग करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ आप समझ सकते हैं कि किम और कमल का रिश्ता धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है और वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल हो चुके हैं और किम अब कमल से बिल्कुल नॉर्मली बातें करता है। वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है, जैसे कि हर प्यारे कपल होती हैं। और इससे हम समझ सकते हैं कि किम ने कमल को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अब किम भी कमल से प्यार करता है और ये सारी चीजें हम किम की आंखों में देख सकते हैं। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां बाइबन को किचन में काम करते दिखाया जाता है। कॉम वहां उसके पास आता है। बाइबन उसे बोलता है कि क्या उसे कुछ चाहिए और क्या उसने खाना खाया। कॉम उसे बोलता है कि उसने खाना नहीं खाया और क्या खाने के लिए कुछ बचा है। बाइबन बोलता है कि क्या वो उसके लिए ऑमलेट बना दे और वो उसके लिए अभी बना देगा। कॉम कहता है कि कोई बात नहीं, पर बाइबन बोलता है कि बस 10 मिनट ही लगेंगे। ये कहकर वो कॉम को रिक्वेस्ट करने लगता है और उसे बैठने को बोलता है। कॉम जाकर बैठता है और बाइबन उसके लिए कुकिंग करने लगता है। कॉम बाइबन को थैंक यू बोलता है, पर बाइबन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और उसे बोलता है कि कॉम बाइबन को थैंक यू क्यों बोल रहा है और उल्टा बाइबन को ही उसे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि कॉम बाइबन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है जितना बाइबन उसका नहीं रख पाता। वो कॉम से पूछता है कि क्या उसका काम खत्म हो गया। कॉम उसे बोलता है कि उसने अभी शॉर्ट ब्रेक लिया है और उसे बाद में बाहर जाना होगा। बाइबन बोलता है क्या वो लॉप और बाकी सारे लोगों के साथ जा रहा है। कॉम उसे हाँ बोलता है। बाइबन उसे बोलता है कि क्या कॉम थका हुआ है। कॉम उसे कहता है कि उसे आदत हो चुकी है। बाइबन बोलता है क्या कमल भी साथ जा रहा है। कॉम बोलता है कि हाँ। बाइबन बोलता है मतलब सारे लोग जा रहे हैं। कॉम बोलता है कि हाँ, और उनके साथ किम भी जा रहा है। बाइबन ये बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि क्या किम भी उनके साथ जा रहा है। कॉम बोलता है कि बात क्या है। बाइबन बोलता है कि कुछ नहीं और वो कॉम को सॉरी बोलता है। वो जाकर कॉम को खाना देता है और उसे बोलता है कि बाइबन को ऐसा लगता है कि शायद कॉम यहाँ रहकर उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता, तो बाइबन को जाना चाहिए। ये कहकर वो जाने लगता है, पर कॉम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से रोकता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो बाइबन के क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता। वो बाइबन को उसके साथ बैठने को बोलता है। बाइबन उसके साथ बैठता है और वो बहुत खुश होता है। वो कॉम से खूब सारे क्वेश्चन करने लगता है। वो उसे पूछता है कि उसे खाने में क्या पसंद है। कॉम कहता है कि वो सब कुछ खा लेता है। वो कॉम से पूछता है कि क्या खाना अच्छा है। कॉम उसे हाँ बोलता है। बाइबन कहता है कि वो कॉम
के लिए दोबारा इसे बनाएगा। कॉम उसे बोलता है कि जरूर। आगे हमें कमोल के क्लब का सीन दिखाया जाता है और कमोल और किम साथ में होते हैं। किम कॉम को उनके साथ बैठने को बोलता है और उसे ड्रिंक भी करने को कहता है, पर कॉम उसे कुछ भी नहीं बोलता। किम बोलता है कि कमोल उस पे गुस्सा नहीं होगा तो वो उनके साथ ड्रिंक कर सकता है। कमोल कहता है कि कॉम ड्यूटी के टाइम पे ड्रिंक नहीं करता। कॉम बोलता है क्योंकि यह कॉम की ड्यूटी है अपने बॉस को प्रोटेक्ट करना, और कमोल और किम की सेफ्टी ही उसके लिए सब कुछ है और सारी चीजों से पहले है। किम उससे बोलता है कि वो उनके लिए गेट क्यों खोलता है, इवन वो हर कुछ उनके लिए क्यों ओपन करता है, पर ऐसा क्यों और ये सारी चीजें सेफ्टी से रिलेटेड कैसे हो सकती है। कॉम उसे बोलता है कि वो सारे लोग बस ये सब करना चाहते हैं। किम कमोल से बोलता है कि क्या उसने सबको ऑर्डर्स दिया है ये सारी चीजें करने के लिए। कमोल उसे बोलता है कि नहीं। किम कॉम से बोलता है तो कॉम को किम के लिए ये सब नहीं करना होगा और वो लोग ये सारी चीजें बस कमोल के लिए ही करे, पर कॉम उसे बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। किम उस रूम से नीचे सारे लोगों को बैठे देखता है और क्लब में काफी सारे लोग होते हैं। किम कमोल से बोलता है कि नीचे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ से सब कुछ आराम से देखा जा सकता है। कमोल बोलता है कि इसीलिए ये रूम बनाया गया है ताकि आराम से यहाँ से सब कुछ देखा जा सके। और तभी कमोल को कुछ काम होता है। किम उसे बोलता है कि वो जाकर अपना काम करे और कमोल वहाँ से नीचे चला जाता है। किम ऊपर खड़ा लोगों को देख रहा होता है। काफी देर हो जाती है और कमोल अपना काम खत्म करके किम के पास आता है और किम चुप से खड़ा होता है। कमोल उसे पूछता है कि क्या वो बोर हो रहा है और क्या किम घर वापस चलना चाहता है, पर किम उसे बोलता है कि नहीं वो बोर नहीं हो रहा। वो कमोल से कहता है कि वो बस कुछ सोच रहा था। कमोल का क्लब तो क्लासी है पर टॉयलेट के पास की लाइट बहुत ही ज्यादा लो है। वहाँ उसने कपल्स को आते देखा, शायद वो लोग वहाँ कुछ करने गए थे तो वहाँ पे उसे तेज लाइट लगा देनी चाहिए, इससे कमोल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कमोल उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। किम उसे बोलता है कि वो स्माइल क्यों कर रहा है। कमोल उसे बोलता है क्योंकि किम कमोल के बिजनेस की फिक्र कर रहा है। किम बोलता है कि वो बस सोच रहा था क्योंकि किम के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उनके पास एक वेटर आता है और उनसे बोलता है कि नीचे एक लेडी ने किम के लिए ड्रिंक भेजा है, और हमें दिखाया जाता है कि नीचे दो लड़की बैठी होती है जो किम की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है। किम वो ड्रिंक हाथ में लेता है और उनके तरफ स्माइल करता है, पर कमोल जेलस होने लगता है और वो नाराज होकर अपना मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है। किम उसे बोलता है क्या कमोल किम पे इस ड्रिंक के लिए गुस्सा हो गया। कमोल उसकी तरफ नाराज होकर देखता है और उसे हाँ बोलता है। किम बोलता है कि वो ऐसे गुस्सा क्यों हो रहा है, और वो कमोल को घर चलने को बोलता है और कहता है कि उसे अब नींद आ रही है। कमोल उसे ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। किम स्माइल करके बोलता है कि कमोल उदास क्यों हो रहा है, और वो लोग क्लब से बाहर आते हैं और किम कमोल को मना रहा होता है कि वो किम से नाराज ना रहे, पर तभी वहाँ बाइक में कोई गन उनकी तरफ पॉइंट करता है और कमोल उनकी तरफ देखता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।